सायाहपुर में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम पूरे एक महीने तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने किया। डीएम कंपाउंड में बने पार्क में जिलाधिकारी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डीएम का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे महीने में जिले भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके जरिए बेटियों को उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस दौरान जिला महिला कल्याण अधिकारी रेखा शर्मा ने जिला अधिकारी का स्वागत किया। रेखा शर्मा का कहना है कि पूरे महीने में जिले भर की चुनी हुई बेटियों को जूडो कराटे और आत्मरक्षा के गुण सहित उन्हें अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए दक्ष बनाया जाएगा। बहुत दुख की बात है कि जब हमारी हम आते कहाँ से हैं, हम किससे राखी बंधवाते हैं, किससे खाना खाते हैं, जब सभी हमारी बहन माँ बेटी पत्नी ही है, तो बड़े अचरज की बात है कि हमें वो चाहिए नहीं। लेकिन तो अचानक से ऐसी कौन सी तरकीब है आपके पास, ऐसे कौन सा जादू है आपके पास कि ये सब ना हो लेकिन आप हो। तो मैं तो सवाल उन लोगों से रखूंगी कि जो ये सोचते हैं कि इनके ना आने के बाद भी हमारा वजूद खतरे में नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा, आप खुद खतरे में हैं। तो ये एक मैसेज है जो सबको पता होना चाहिए कि आप खुद खतरे में, आपका अस्तित्व खतरे में है अगर हम नहीं है या बेटियां नहीं है, माँ नहीं है। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत हम लोग बेटियों को बचाने के लिए और जो भ्रूण हत्याएं हैं उनको रोकने के लिए और जो स्त्री पुरुष अनुपात है, लिंग अनुपात है, उसको ठीक करने के लिए जागरूकता विषय तमाम कार्यक्रम करते हैं। आज से आज अक्टूबर माह का पहला दिन है, आज से 100 दिन की कार्य योजना लागू करके हम प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करेंगे जो बेटियों को फोकस करके हो, उनके एजुकेशन को लेकर हो और जो लिंग भेद है उसको समाप्त करने को लेकर हो और जागरूकता विषयक हो समाज में और स्त्री अपराधों को रोकने विषयक हो, उसको लेकर हम ये 100 दिन की कार्य योजना के साथ आए हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम होगा पूरे जनपद में, आज उसका शुभारंभ यहाँ से किया गया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पार्क के रूप में इसको, इस स्थान को डेवलप किया गया था। कभी ये बहुत गंदा रहता था और इसको हमने एक सेल्फी पॉइंट के रूप में डेवलप किया है ताकि यहाँ स्कूल और कॉलेज के आसपास की बच्चियाँ इसको अपने इस्तेमाल में ले सकें और जो भी व्यक्ति यहाँ से गुजरे उसको ये समझ में आए कि बेटियों को समर्पित किया गया पार्क है। तो आज से इस कार्यक्रम का आगाज़ यहाँ से किया गया है जो आने वाले 100 दिवस तक चलेगा। जनपद मेरी तो लोगों से यही अपील है कि बेटियाँ उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी कि बेटे, और हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना चाहिएगा कि बेटियों को की तुलना में बेटे जो हैं वो परिवार को आगे ले जाने में ज़्यादा सहायक होते हैं। यदि अवसर मिले तो प्राकृतिक रूप से बेटियां और बेटे बराबर की सिफत जो है, उनकी जो उनकी खूबियां हैं वो सबकी बराबर हैं, उनको अवसर अगर बराबर मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे आकर समाज को निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाएंगी। एक बेटी न केवल बेटी होती है बल्कि आगे चलकर वो माँ बनती है, पूरे परिवार को संभालती है। तो इसलिए बेटी को बेटे की तुलना में शिक्षित और प्रशिक्षित होना और जागरूक होना और अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ